हेलो एवरीवन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी पर्सन को कोई गलत काम करने से रोकते हैं या कोई पर्सन गलत बात बोलता है, आप उसे कहते हो कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, और वो पर्सन आपको आगे से ये बोल दे कि आप भी तो ये काम करते हो, आप भी तो गलत बातें बोलते हो, तो कैसा लगेगा? आई थिंक अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप किसी को कोई बात समझाने के लिए जाते हो, कोई बात समझाते हो, और अपनी खुद की जिंदगी में आप उन बातों में इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो आपको अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को उसके बारे में जाके बताओ। तो अगर हम किसी को सुधारना चाहते हैं, अच्छी बातें बताना चाहते हैं, कोई गलत काम करने से रोकना चाहते हैं, तो पहले हमें उन चीज़ों को खुद पे इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर हम खुद उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में तो यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, और दूसरों को ज्ञान बांटने चले जाते हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि सामने वाला आपकी बात सुनेगा। तो मेरी आज की जो कहानी है वो इसी बात को लेके है। हमारी कहानी शुरू होती है गाँव से। एक गाँव में एक बाबा जी रहते हैं। एक दिन एक बूढ़ी औरत अपने 6 साल के लड़के के साथ बाबा जी के पास आती है, और बाबा जी को आके बोलती है कि बाबा जी, ये लड़का गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है, आप कृपया करके इसको समझा दीजिए कि ज़्यादा गुड़ ना खाए। बाबा जी लड़के को देखते हैं और बूढ़ी औरत को बोलते हैं कि आप इसे ले जाओ, आप 1 हफ्ते के बाद वापस मेरे पास आना। वो औरत चली जाती है और 1 हफ्ते के बाद बाबा जी के पास वापस आती है, और बाबा जी को बोलती है आकर के, बाबा जी इसने गुड़ खाना कम ही नहीं किया, आप तो कह रहे हैं 1 हफ्ते के बाद आना। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप 1 महीने के बाद वापस आना मेरे पास। वो औरत फिर चली जाती है और 1 महीने के बाद बाबा जी के पास फिर से आती है। औरत फिर से वही बात बोलती है कि बाबा जी इसने गुड़ खाना कम ही नहीं किया। बाबा जी उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और उसको समझाते हैं कि बच्चे गुड़ खाना अच्छी आदत नहीं है, ज़्यादा गुड़ खाने से बीमारियाँ हो जाती हैं, इसलिए कम गुड़ खाया करो, बहुत कम, थोड़ा बहुत खाया करो। औरत चली जाती है। औरत 1 महीने के बाद वापस बाबा जी के पास फिर से आती है और औरत बाबा जी को बोलती है कि बाबा जी एक बात बताओ, जब मैं पहली बार आपके पास आई थी तो आपने मुझे कहा था 1 हफ्ते के बाद आना, फिर आपने मुझे कहा 1 महीने के बाद आना, फिर आपने इसको 2 बातें बताई, और उसके बाद आज मैं आपके पास फिर से 1 महीने के बाद आई हूँ और इसने सच में गुड़ खाना कम कर दिया, इसने आपकी बात मान ली है। आप मुझे एक बात बताओ कि जब मैं पहली बार आपके पास आई तब आपने इसे वो बातें क्यों नहीं बोली, तब आपने इसको क्यों नहीं समझाया? बाबा जी ने कहा, आपकी सारी बातें मानता हूँ, लेकिन जब आप मेरे पास पहली बार आए थे उस टाइम मैं भी बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, मुझे भी गुड़ खाने की बहुत ज़्यादा आदत थी, इस बच्चे की तरह मैं भी बहुत गुड़ खाता था, तो जब अगर मैं खुद गुड़ खाता हूँ तो इस बच्चे को मैं कैसे समझा सकता हूँ? 1 हफ्ता 1 महीना मुझे भी इस आदत को छोड़ने में लगा, और जब मैंने आदत छोड़ दी तब मैंने इस बच्चे को वो बात समझाई, क्योंकि मुझे भी पता है कि गुड़ छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जब आपको किसी चीज़ की आदत होती है ना, कोई आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो जब मैंने उस आदत को छोड़ दिया तब मैंने आपके बच्चे को समझाया, उससे पहले इसको अगर मैं समझाता तो फिर वो क्या होता कि मैं उस काम को कर रहा हूँ पर आपके बच्चे को उसकी शिक्षा दे रहा हूँ मैं, वो सही नहीं था। तो इसलिए मैंने पहले खुद उस आदत को छोड़ा और फिर मैंने आपके बच्चे को समझाया। तो यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी को गलत काम करने से रोकते हैं, कोई गलत बात बोलने से रोकते हैं, तो पहले आपको खुद उन बातों को इम्प्लीमेंट करना होता है, खुद पे खुद उन चीज़ों को छोड़ना होता है। अगर आप उन चीज़ों को छोड़ के दूसरों को समझाएंगे तो आई थिंक वो आपकी बात भी सुनेगा और उन पे अमल भी करेगा। लेकिन अगर खुद को गलत काम करते जा रहे हैं और हम ये सोचें कि दूसरा बंदा भी हमारी बात सुनेगा, तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले खुद को सुधारिए, तभी आप दूसरों को सुधार सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।